सो अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? सबसे पहले तो आपको चाहिए इफेक्टिव लाइट हार्वेस्टिंग. जो लाइट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए. अब जो लीव्स हैं एक तरह के सोलर कलेक्टर्स होते हैं. सोलर कलेक्टर मतलब क्या है? सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं. ओके, तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये बाहरी सिचुएटेड होते हैं टू द आउटर सर्फेस ऑफ द प्लांट. अब आपने लीव्स देखे हैं वो कभी अंदर तो नहीं होते हैं ना सॉइल के, वो हमेशा बाहर होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो एक तरह के ऐसे सोलर पैनल्स होते हैं आपके जो सनलाइट को खींचते हैं अपनी ओर और उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं वहाँ से. ओके, तो जो आपकी सरफेस से जो आपकी सनलाइट है वो अंदर एंटर करती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट एनर्जी, और साथ ही साथ उसमें क्या एंटर करती है, योर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो वाटर तो वो नीचे से अब्जॉर्ब करती है रूट से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो स्टोमेटा से ही अंदर आता है. और ये क्या करता है, फिर ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस में ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. अब सनलाइट कौन अब्जॉर्ब करता है? अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर होता है क्लोरोफिल. अब ये जो क्लोरोफिल है ये बेसिकली इसको अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और इसको यूटिलाइज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इस तरह से आपकी फोटोसिंथेसिस एक्ट करती है. सो इफेक्टिव लाइट हार्वेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ जो मेजॉरिटी ऑफ लाइट है वो लीव सरफेस ही अब्जॉर्ब करती है. कुछ ही सिचुएशन में जो बाकी प्लांट टिश्यूज हो गए वो इसे अब्जॉर्ब करते हैं. ओके, सो साथ ही साथ जो थिन लीव्स होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल रहता है अपर लेयर में सेल्स की, जहाँ पे आराम से सनलाइट कैन बी अब्जॉर्ब्ड. और ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन होते किसी भी सेल की टू डू समथिंग. अब जैसे आपके क्लोरोफिल्स हैं दे आर डूइंग अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. अब आपके स्टोमेटा हो गया वो दे आर कंटिन्यूसली ओपनिंग और क्लोजिंग टू लेट द वाटर आउट एक्सेस वाटर एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज आउट ऑक्सीजन. तो इस तरह से आपके स्टोमेटा काम करते हैं. तो ये उसका स्पेसिफिक फंक्शन हो गया. आगे चलते हैं अपरेटस फॉर गैसेस एक्सचेंज. अब जो लीव्स होते हैं ये बेसिकली मीडियम होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, फोटोसिंथेटिक गैसेस का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आना एंड गेटिंग रेड ऑफ ऑक्सीजन. तो ये सब में कौन हेल्प करता है आपको, स्टोमेटा. तो ये स्टोमेटा की वजह से होता है. लीव्स के अंदर काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. दैट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस, और साथ ही साथ एक्सेसिव वाटर को बाहर निकलने देते हैं. मतलब जैसे कोई एक्सेस वाटर, अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो आप खुद देख सकते हैं, अगर आपने पत्तों पे पानी नहीं भी डाला है तो पत्तों पे कुछ टाइम के बाद पानी आ जाता है. तो दैट इज़ ड्यू टू स्टोमेटा. ओके, सो नेक्स्ट इज, अब जो आप कह सकते हैं जो लीव्स हैं वो लंग्स की तरह एक्ट करते हैं. वो क्या करते हैं, एक तो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं पत्ते, तो जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर निकले. तो इस तरह से दे बिहेव एज लंग्स, एज अ लंग्स बिहेव इन एनिमल्स. तो इस तरह से आपके स्टोमेटा बिहेव करते हैं विद इन योर सेल. तो ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है आपका स्टोमेटा का. एंड स्टोमेटा के साथ साथ कुछ होते हैं आपके कुछ और सेल्स जिनको हम एपिडर्मल सेल्स भी बोल सकते हैं, जो सरफेस पे अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट इज वाटर सप्लाई. अब वाटर सप्लाई फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. ये आपको यूजली रूट से मिलता है, और इसीलिए हमें सॉइल को प्रॉपर इरीगेशन देनी चाहिए. रूट अब प्रेजेंट होती है सॉइल में, तो सॉइल में जो वाटर अवेलेबल होता है रूट उसी को अब्जॉर्ब कर लेती है. सो इस तरह से वाटर सप्लाई जो है वो प्लांट को मिलती है. टेरेस्ट्रियल में इस तरह से मिलती है. अब जो कुछ एक्वेटिक होते हैं उनको ऑलरेडी पानी सब तरह से अवेलेबल ही होता है. ओके, सो जो टेरेस्ट्रियल होते हैं इसलिए उनके पास काफ़ी तगड़ा रूट सिस्टम होता है. अगर उनके पास प्रॉपर रूट सिस्टम ना हो तो उनको पानी मिले ही ना बेचारों को. ओके, सो नेक्स्ट इज कि जो आपकी वाटर सप्लाई है इस तरह से वो आपको मिलती हैं, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है. अब उन्होंने मैकेनिज्म बोला है, बताया है टू ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्ट्स थ्रू द प्लांट. अब जो एंड प्रोडक्ट मतलब जैसे ग्लूकोज बना आपका, ठीक है, तो जो ग्लूकोज बना है उसको पूरे के पूरे ग्लूकोज को किस तरह से पूरे के पूरे प्लांट में पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाए. मतलब पत्तों में खाना बना उसको रूट्स तक कैसे लेके जाया जाए, और साथ ही साथ जैसे स्टेम तक कैसे पहुंचाया जाए, फ्रूट्स तक कैसे ले जाया जाए, तो इसके लिए भी इनके पास प्रॉपर सिस्टम होता है. ओके, तो सबसे पहले तो एक बार आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया ना प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो
हमें इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक मैकेनिज्म चाहिए थ्रू आउट द प्लांट. ओके, तो इसके लिए होते हैं आपके लिए वेस्कुलर टिश्यूज, जो खाने के लिए फ्लोएम का इस्तेमाल किया जाता है, और जो आपका वाटर हो गया उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जाइलम का विद इन द प्लांट्स. सो आगे है आपके पास एक लाइट रिएक्शन, एक आता है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन बेसिकली वो वाला उस तरह की फोटोसिंथेसिस होती है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब जो क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स हैं, जो कुछ प्लांट के सेल्स हैं उसके अंदर जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पड़ा है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट एज अ पिगमेंट, तो वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो फिर फोटोसिंथेसिस होता है, दिस इज नोन एज लाइट रिएक्शन. पर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन, दे फोटोसिंथेसाइज एट द नाइट टाइम, मतलब जब अवेलेबिलिटी नहीं है सनलाइट की, उस टाइम पे फोटोसिंथेसाइज करते हैं, मतलब अपना खाना उस टाइम पे बनाते हैं. ओके, सो उसमें भी सेम प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं टू फॉर्म एनर्जी रिच कंपाउंड सच एज ग्लूकोज. ओके, सो नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक मशीनरी. अब फोटोसिंथेटिक मशीनरी में क्या आ जाते हैं, जो लीव्स हैं वो होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स या फिर फोटोसिंथेटिक मशीनरी. ओके, तो इनके अंदर पड़े होते हैं ऐसे सेल्स जिनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है आपका क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करना, और साथ ही साथ लीव्स के अंदर होते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस को अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो अवेलेबल थी आउटसाइड उसको अपने अंदर लेते हैं, और जो पानी रूट से आया उसको दोनों को कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक योर फूड. तो इस तरह से आपकी फोटोसिंथेटिक मशीनरी पूरी की पूरी तरह से काम करती है. सो क्लोरोफिल की वजह से यू गेट योर फूड फ्रॉम द प्लांट्स. अब उन्होंने क्या बात की है, स्ट्रोमा. अब जो स्ट्रोमा है एक तरह का बेसिकली आपके क्लोरोप्लास्ट का एक ऑर्गन है, जो क्लोरोप्लास्ट है एक तरह का पूरा ऑर्गन होता है, एंड इट इज़ समवट सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपने पढ़ा था अपने एनिमल सेल्स के केस में, जो सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ में आपने पढ़ा था. अब जो इसके अंदर होता है स्ट्रोमा, और जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर बेसिकली आपके कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, एंड इन एडिशन टू न्यूमरस स्टार्च ग्रेन्यूल्स. और इसी तरह से ये आपकी हेल्प करते हैं लाइट अब्जॉर्प्शन में, जो लैमेले में होती है. लैमेले में आपके बेसिकली प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, और ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, और ये सब काम कहाँ पे होता है, विद इन योर स्ट्रोमा. अब जो स्टोमेटा है वो प्राइमरी कंट्रोल मैकेनिज्म है जो प्लांट यूज़ करता है टू रिड्यूस वाटर लॉस, मतलब कि अब अगर आपने प्लांट को पानी नहीं दिया है तो उसके जो स्टोमेटा है, जो उसके गेट्स हैं, वो बंद हो जाएंगे. ठीक है, अगर वो बंद हो गए तो वो पानी को बाहर नहीं निकलने देंगे, और जितना पानी होगा वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम. यूजली जो हम उनको पानी देते हैं उसमें से जो 95% पानी होता है प्लांट पूरा का पूरा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में उड़ा देता है, मतलब कि जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा एवेपोरेट हो जाता है 95% थ्रू लीव्स. इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं उनके आसपास ठंडक काफ़ी होती है. सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वो सिर्फ 5% पानी का इस्तेमाल करते हैं जो भी हम उनको देते हैं. सो मतलब उनकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, और ये सारा काम कौन करता है, स्टोमेटा. स्टोमेटा की वजह से ये होता है, इसके अंदर होते हैं गार्ड सेल्स. ये जो गार्ड सेल्स होते हैं दे ओपन और क्लोजेस, जैसे ही पानी ज़्यादा होता है प्लांट में तो दे गेट ओपन, जो गेट्स हैं वो खुल जाते हैं, जैसे ही पानी कम हो जाता है तो ये गेट बंद हो जाते हैं ताकि प्लांट का पानी बिल्कुल भी बाहर ना निकले, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस. ओके, सो नेक्स्ट इज, अब जो स्टोमेटा है वो एनवायरमेंटल क्लूज को सेंस कर सकते हैं, जैसे लाइट हो गया, जब लाइट आएगी वो ओपन हो जाएगा टू लेट द कार्बन डाइऑक्साइड कम इन ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके. तो मतलब कि ये सेंसिटिव है, जैसे लाइट पड़ती है ये खुल जाते हैं ताकि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर एंटर कर जाए, और आप अपना खाना, जो प्लांट है अपना खाना खुद सिंथेसाइज करना शुरू कर दें. तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल क्लूज हैं, जैसे लाइट होगी, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी लीव्स में, तो ये सारे के सारे एनवायरमेंटल क्लूज हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, अब जैसे रात के टाइम पे जो स्टोमेटा वो बंद हो जाते हैं, दिन के टाइम खुल जाते हैं टू लेट द ऑक्सीजन कम इन, ताकि ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाए, लीव्स में अकमुलेट हो जाए और वो हॉट हो जाए, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, बिकॉज CO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, और जैसे ये टेम्परेचर बढ़ाएगा किसी भी लीव का तो इट वुड हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ फूड. सो इस तरह से ये प्रोसेस होती है. एंड अगर प्लांट में वाटर नहीं है उस टाइम पर आपका स्टोमेटा तब भी क्लोज रहेगा, पर अगर वाटर ज़्यादा अवेलेबल है तो उस टाइम पर ये ओपन हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज, अगर इंटरनल कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अगर ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो स्टोमेटा तब भी बंद हो जाएंगे. अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है विद इन द सेल,
विद इन द लीफ, तो उस टाइम पे आपके सोमेटा खुल जाते हैं. अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई है तो ये क्या करेगा, जो वाटर लॉस है फ्रॉम द लीफ वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उस केस में जो लीफ है वो ज़्यादा पानी बाहर निकालेगा जितना भी उसके अंदर अवेलेबल है. उस केस में जो लीफ के स्टोमेटा वो फिर से खुल जाएंगे. ओके, पर जैसे ही बाहर हीट कम है तो उस केस में जो वाटर लॉस है प्लांट से वो भी कम होता है. इसलिए सर्दियों में आपको पानी देने की प्लांट्स को कम ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द समर्स. समर्स में आपको रोज़ उनको पानी देना पड़ता है बिकॉज उनको अपनी हीट के साथ कॉप अप करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन और एवेपोरेशन. सो अब जो फैक्टर्स हैं आपको पता चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होती है वो इसको इफेक्ट करती है. लाइट इंटेंसिटी होगी, लाइट अगर होगी तो ये खुले रहेंगे, अगर लाइट नहीं होगी तो ये बंद हो जाएंगे. स्टेज ऑफ प्लांट, किस स्टेज में है प्लांट, क्या वो एक्टिव स्टेज में, मतलब सीडलिंग, मतलब वो अभी बेबी है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी और जो उसकी स्टोमेटा वो ज़्यादा टाइम तक खुले रहेंगे. देन स्टोरेज और यूज़, ये स्टोरेज और यूज़ का भी रेट बढ़ाता है. मतलब ये ज़्यादा खाना अगर बन गया तो उसकी स्टोरेज के लिए वेट करता है, जैसे वो खाना स्टोर हो जाएगा फिर ये दोबारा से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा. सो नेक्स्ट इज टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये खुल जाएंगे, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये बंद हो जाएंगे. देन इज वाटर अवेलेबिलिटी, अगर वाटर ज़्यादा अवेलेबल हो गया है तो उस केस में ये खुल जाते हैं, अगर वाटर कम अवेलेबल है, देर इज़ लैक ऑफ वाटर, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं. आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड अमीबा की. न्यूट्रिशन एंड अमीबा में क्या आ जाता है, न्यूट्रिशन तो अमीबा को भी चाहिए बिकॉज इट इज़ एन एनिमल. तो इसका जो इसका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है बेसिकली, तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे आपके पास फूड पार्टिकल आया, यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, तो ये फूड पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया अंदर ले लेता है एंड एक फूड वैक्यूल बना लेता है एंड देन इसको डाइजेस्ट कर लेता है और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स बचते हैं उसको क्या कर देता है, ईजेशन की प्रोसेस के थ्रू, मतलब एक्सक्रीशन की प्रोसेस के थ्रू निकाल देता है. सो दैट इज़ ऑल. बाकी हम आगे न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स में बात करेंगे. सो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स. सो न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वो क्या है, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. ओके, सो इसके बारे में बात करनी शुरू करते हैं. अब इस सबको जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपका, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल. ये माउथ से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू एनस और यू कैन से रेक्टम. फाइन, सो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 5 to 6 meters, 5 to 6 meters की इसकी लेंथ होती है पूरे के पूरे ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम की और ये कम्प्लीटली आपकी बॉडी के अंदर फिट हो जाता है. फाइन, सो क्या है बेसिकली, इसमें होता क्या है, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे. जो बेसिक फंक्शंस है वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इंजेशन ऑफ फूड, मतलब टेक इन फूड, जो खाना लिया है थ्रू आउट उसको हम टेक इन फूड बोलते हैं या फिर इंजेशन. देन कम्स ब्रेक डाउन द फूड. अब डाइजेशन की प्रोसेस को हम ब्रेक डाउन द फूड बोलते हैं. इसमें जो फूड है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इंटू सिंपल सब्सटेंसेस ताकि बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सके. नेक्स्ट इज अब्सॉर्प्शन. अब ये जो डाइजेस्टिव सिंपल सब्सटेंसेस हैं इनको बॉडी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है. देन कम्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट. फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ तक भेजे जाते हैं, आपके सारे के सारे बॉडी सेल्स तक. देन कम्स एलिमिनेट वेस्ट. अब देन इज एक्सक्रीशन. अब एक्सक्रीशन की हेल्प की वजह से आप क्या करते हो, जो भी एडिशनल जो वेस्ट होता है आपकी बॉडी का उसको बाहर निकाल देते हैं. अब सबसे पहले जो ऑर्गन आता है वो आता है लिप्स, टीथ. लिप्स आते हैं सबसे पहले, लिप्स के बाद आता है आपका वेस्टिब्यूल. ठीक है, लिप्स बेसिकली क्या होते हैं, इट इज़ अ ट्रांसफर स्लिट लाइक स्ट्रक्चर. ये आपको क्या करते हैं, एक तरह की आपकी ओपनिंग होती है माउथ की जिसके थ्रू आप खाना अंदर लेते हो. देन कम्स वेस्टिब्यूल, जो आपकी चीक्स और टीथ के रीजन के बीच में जो खाली स्पेस होती है उसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है. ओके, देन कम्स टीथ. अब जो नॉर्मल एडल्ट होता है उसमें होता है 32 teeth. अब जो टीथ है दे आर मैंडिबल एंड मैक्सिबल. ठीक है, मैंडिबल ऊपर वाले जॉ को बोलते हैं, मैक्सिले ऊपर वाले जॉ को बोलते हैं और मैंडिबल नीचे वाले जॉ को. ठीक है, तो जॉस का नाम है ये बेसिकली आपके. तो ये जो टीथ्स हैं वो क्या है, वो अरेंज्ड होते हैं एक तरह के पैटर्न में आपके दोनों के दोनों जॉज में, उसको जो मैंडिबल और मैक्सिले बोलते हैं. और चार तरह के आपके टीथ होते हैं, इंसीजर्स आगे की और होते हैं बिल्कुल सेंटर में, कैनाइंस इसके साइड पे होते हैं बिल्कुल, एंड देन कम्स प्री मोलर्स और फिर आते हैं मोलर्स. अब जो प्री मोलर्स और मोलर्स है दे आर नोन एज ग्राइंडिंग, जबकि इंसीजर्स का काम है बाइट करना और जो कैनाइंस है उसका काम होता है टेयर करना. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे. जो टीथ होते हैं एडल्ट के वो तो परमानेंट होते हैं, मतलब एक बार ही आ गए तो अगर टूट गए तो फिर से दोबारा से नहीं आएंगे. फाइन, सो ये बेसिकली
जो मिल्क टीथ्स होते हैं उनको रिप्लेस करके आते हैं, जो 20 होते हैं बेसिकली आपके टोटल मिल्क टीथ 26 होते हैं, 26 आपके मिल्क टीथ होते हैं जो चाइल्डहुड में ही टूट जाते हैं और फिर आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं, दैट इज 32 इन नंबर। देन कम्स ओएसोफेगस। अब जो ओएसोफेगस है वो एक तरह की आपकी फूड पाइप है जो आपको स्वॉलो करने में हेल्प करती है जो भी खाना आप खाते हो। देन कम्स ओएसोफेगस, ओएसोफेगस आपको समझ आ गया। फिर आता है आपका स्टमक। अब जो स्टमक है वो आपका ऐसा बॉडी पार्ट है जहाँ पे मेन डाइजेशन होती है, स्वॉलो होके जो फूड है आपका सीधे स्टमक में जाता है और स्टमक क्या करती है, एक तरह का मस्कुलर सैक जिसमें काफ़ी सारी मसल्स है जो फूड को चर्न करने में हेल्प करती है ताकि उसको मिक्स किया जा सके किसके साथ, एक तो आपकी जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं विद इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम विद इन योर स्टमक, एक तो उसके साथ आप फूड को मिक्स करते हैं और दूसरा जो रिएक्शन होता है एंजाइम्स का वो करवाया जाता है आपके फूड के ऊपर ताकि कुछ डाइजेशन हो सके। सो इस तरह से आपके स्टमक रोल प्ले करता है किसमें, फूड डाइजेशन में। इसके अंदर HCL भी प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस में सारे आपके एंजाइम आ जाते हैं जैसे प्रोटीएज, लाइपेज एज वेल एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके लिए L आएगा, यहाँ पे I नहीं आएगा। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, जितने भी इसके अंदर जितने भी आपके फूड के अंदर अगर कोई जर्म्स हैं इनकेस तो वो जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है बींग एसिडिक इन नेचर। साथ ही साथ ये सेल वॉल, इसके अराउंड म्यूकस भी प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी आपकी पूरी वॉल है स्टमक की उसके ऊपर सारी की सारी लाइनिंग होती है किसकी, म्यूकस की, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर, हम बात करेंगे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है जहां पे मेजर क्या होती है, जहां पे मेजर डाइजेशन होती है। सबसे पहले आ जाता है इसका पार्ट डियोडेनम, फिर आ जाता है इलियम। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मिलके क्या बनाते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सबसे पहला वाला पार्ट था वो 5 मीटर लॉन्ग है और टोटल जो है डियोडेनम को डाल के वो 25 मीटर के आसपास हो जाता है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड होती है, इतनी टाइटली पैक्ड होती है यू कांट इवन इमेजिन। इसके अंदर फिंगर लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम विलाय कहते हैं और दे ग्रेटली इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ योर इंटेस्टाइन। अब फिर आता है एक बाइल। बाइल एक तरह का आपका लिवर का एक डक्ट है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है विद इन योर इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है, जो कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि फिर इसको डाइजेस्ट किया जा सके। मतलब ये कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, सिर्फ फिजिकल ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है आपकी फैट की। नेक्स्ट इज योर, ये थे आपकी पूरी की पूरी इंटेस्टाइन, यू कैन सी इट हेयर, दिस इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारी की सारी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, सो ये सराउंडिंग जो है दिस इज़ योर लार्ज इंटेस्टाइन और जो इसकी आउटर पार्ट है इसको रेक्टम बोलते हैं, जहाँ से फीकल मैटर बाहर आता है। तो आगे जो है जो एंजाइम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए, पॉलीपेप्टाइड की, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड की, न्यूक्लिक एसिड की, ये सारे के सारे पेनक्रिया से आते हैं। ठीक है, कुछ इंटेस्टाइन अपने सिक्रीट करता है तो जो पेनक्रिया से आते हैं वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आते हैं। ठीक है, अब जैसे पेनक्रिया एक्सोक्राइन भी था एंडोक्राइन भी था, तो एंडोक्राइन में वो क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, जैसे कि आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो आगे पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं इनमें क्या होता है, कुछ एंजाइम जैसे प्रोटीएज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज एटसेट्रा, इस तरह के एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज भी प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को, इन सब को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो इस तरह से ये कंप्लीट पैकेज होता है आपके एंजाइम्स का जो विद इन इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि सारे के सारे खाने को डाइजेस्ट किया जा सके आराम से। ठीक है, सो फिर आ जाता है आपका कॉलन एंड रेक्टम। कॉलन एंड रेक्टम इज़ अ पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट्स हैं, दिस इज़ नोन एज कॉलन, इसको हम बोल देते हैं दिस इज़ नोन एज असेंडिंग कॉलन, इसको असेंडिंग कॉलन बोलते हैं जो ऊपर के डायरेक्शन मूव करके, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन एंड दिस इज नोन एज सिग्मॉइड कॉलन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम। सो इस तरह से ये कॉलन्स होते हैं एंड साथ ही साथ जो रेक्टम है वो होता है आउटर मोस्ट पार्ट दैट इज़ कनेक्टेड टू एनस। एनस से आपका सारा फीकल मैटर बाहर आता है।
देन कम्स फंक्शन कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, वो क्या है, माउथ में जो सलाइवा होती है, सलाइवा क्या करती है, मॉइस्ट करती है फूड को, और ल्यूब्रिकेट, ल्यूब्रिकेट मतलब उसको कोई एक तरह का मीडियम देती है जिसमें वो डिजॉल्व हो सके. देन कम्स सलाइवरी एमाइलेंस, सलाइवरी एमाइलेंस के अंदर जो एक तरह का एंजाइम है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, स्टमक में आ जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये बैक्टीरियाज को किल करता है और पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है. पेप्सिनोजन एक तरह का एंजाइम है दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन. म्यूकस, म्यूकस क्या करती है, सेल की लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग को बचाती है. इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं, वो विटामिन B1-2 के साथ बाइंड करके अब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. और गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करने में हेल्प करता है विद इन द स्टमक. नेक्स्ट इज हम कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स के जो कुछ सिक्रीशंस हैं, कुछ एंजाइम्स, उनकी बात करेंगे. सबसे पहले बाइल सॉल्ट, ये फैट को एमल्सीफाई करते हैं, तोड़ते हैं फैट्स को. बाइकार्बोनेट आइंस, ये न्यूट्रलाइज करते थे स्टमक एसिड को, मतलब स्टमक जो स्टमक में जो था आपका फूड जो डाइजेशन डाइजेस्ट हो रहा था वो था एसिडिक, जैसे ही इंटेस्टाइन में आ जाता वो हो जाता बेसिक इन नेचर. सो ट्रिप्सिन फिर आ जाता, काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. पेनक्रियाटिक एमाइलेस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. पेनक्रियाटिक लाइपेस, ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है. न्यूक्लियसेस, न्यूक्लियस को, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है. म्यूकस जो है ये ड्यूडेनम को प्रोटेक्ट करता है स्टमक एसिड से और साथ ही साथ डाइजेस्टिव एंजाइम से. सिक्रेटन, सिक्रेटन ये ड्यूडेनम में ही होता है और ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो पेट की जो स्टमक में जो सिक्रीशन हो रही थी डाइजेस्टिव एंजाइम की, उसको रोक देता है. और जो आपके प्रेजेंट होते हैं सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसे स्टार्ट कर देता है. कॉलीसिस्टोकाइनिन का भी सेम ही फंक्शन होता है. देन कम्स गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जो पेट की मूवमेंट है उसको रोक देता है, जो उसकी सिक्रीशन थी गैस्ट्रिक जूसेस की उसको भी रोक देता है. और साथ ही साथ जितनी भी गॉल ब्लैडर हो गया, जैसे लिवर हो गया, इन सबको बोलता है कि अब वो अपनी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालनी शुरू कर दें. अब जो पेप्टाइड्स हैं वो प्रोटीन, एक तरह के जो पेप्टाइड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अमाइलेस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. लाइपेस फैट को, सुक्रेज सुक्रोज नाम की शुगर को, लैक्टेज लैक्टोज नाम की शुगर को, एंड माल्टेज माल्टोज नाम की शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. देन कम्स रेस्पिरेशन. हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो है रेस्पिरेशन. ये दो तरह की हो सकती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल. इंटरनल तो हो जाती है आपकी रेस्पिरेशन जो सेल्स के अंदर होती है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल होती है दैट इज सिंपली ब्रीदिंग. ओके, सो ये तो होगी इसकी एनालॉगी. सो वर्ड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में जैसे कि आपको पहले ही डिफरेंस समझाया गया था, जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में आप क्या करते हो, सिंपली टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. पर रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो, जो ऑक्सीजन आई उसको कंबाइन करते हो फूड के साथ टू प्रोड्यूस एनर्जी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको बाहर निकाल देते हो फ्रॉम द बॉडी. सो इस तरह से आपके पास एनर्जी जनरेट होती है इन रेस्पिरेशन, और दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज अ एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस. अब आगे आ जाती है आपके पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, बेसिकली इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो ये क्या करते हैं, ये ह्यूमंस में भी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, और इसमें जो ग्लूकोज होता है दैट इज़ कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड प्लस ATP. ओके, ये होती इसी, ये बेसिकली होती कब है, जब आप जैसे रनिंग का काम कर रहे हो तो आपके क्रैम्प्स पड़ जाते हैं काफ़ी टांगों में, तो इसीलिए होता है बिकॉज ड्यू टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपकी मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो वहाँ पे होनी शुरू हो जाती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है मसल्स में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है प्लस ATP, मतलब बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है और आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं. ओके, सो इस तरह से आप कह सकते हैं ये यीस्ट में भी होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है. ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल, मतलब अल्कोहल होता है ये बेसिकली आपका, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP में. सो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये एक तो आपको ब्रियर्स ऑफ अल्कोहल का मतलब जो अल्कोहल इंडस्ट्री है उसमें इसका मेन रोल है. ब्रेड इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी रोल है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जैसे आपका इडली डोसा सांभर हो गया, इन सब चीज़ों को बनाने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है. देन कम्स एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपली होता क्या है, इसमें जो आपका ग्लूकोज है इट इज़ ब्रोकन डाउन टू पायरोविक एसिड. पायरोविक एसिड से जाता है ये क्रैब्स साइकिल में. क्रैब्स साइकिल में ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाता है, मतलब प्रॉपर एनर्जी निकाल देता है. और ये जो एनर्जी निकलती है ये आगे जाके किस में फ्यूज कर जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आगे ऑक्सीजन फिर से कंबाइन करती है और
और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की जाती है और बाय प्रोडक्ट H2O निकल जाता है। सो इस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, कितने सारे प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं। यूजली ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और जो इसका सब्सट्रेट होता है इसमें बेसिकली ग्लूकोज को पहले पाइरोवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और फिर ये जो पाइरोवेट है इसको कंबाइन कराया जाता है आगे ऑक्सीजन के साथ टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड, हाई एनर्जी, वाटर एंड हीट। सो इस तरह से इसमें रेस्पिरेशन होती है एरोबिक विद इन ह्यूमंस। देन कम्स ह्यूमन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आती है सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद, जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इसके अंदर आपका फूड चला जाता है, फूड के साथ आपका क्या चला जाता है, फूड के अंदर होता है आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज चला जाता है ऑक्सीजन के साथ, दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है आगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड वाटर आर रिलीज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से क्या होता है, जो ग्लूकोज है, जो 6 कार्बन ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन्स, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है पाइरोवेट में, जिसके पास सिर्फ 3 कार्बन रहते, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं आपके पास पाइरोवेट के, तो इसकी वजह से थोड़ी सी ATP मतलब एनर्जी बनती है। उसके बाद जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है और इसमें काफ़ी कम अमाउंट ऑफ ATP रिलीज होता है, ओके। सो जो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें पाइरोवेट बन रहा है आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस वजह से इसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन और वो ब्लड में डाल दिया जाता है, और जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स क्या करते हैं उसको बाहर एक्सहेल कर देते हैं एयर को, ओके। देन कम्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करनी शुरू करते हैं। सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे ब्रीथ और सबको रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं आपके 2 लंग्स, इसमें ट्रैकिया आ जाता है आपका। अब आपके लंग्स के अंदर होते हैं ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल अंदर ट्रैकिया 2 में डिवाइड होता है उसको ब्रोंकियोल बोलते हैं। उसके बाद ये आगे इसके एंड्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ से मेन, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आप पॉइंट्स देख पा रहे हो ना, इस पॉइंट्स पे ये जो टिप्स होती हैं ये आगे कनेक्टेड होते हैं ब्लड के साथ। तो ये जो ब्लड होता है ये ब्लड में ऑक्सीजन इस तरह से देती हैं और यहीं से जो ब्लड है वापस इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है ताकि ये इसको बाहर एक्सहेल आउट कर सके, ठीक है। सो एक तो फेरिंग्स भी आ जाता है इसके पास, फेरिंग्स आप कह सकते हो इट इज़ अ काइंड ऑफ योर विंड पाइप, और फिर आ जाता है लैरिंग्स, लैरिंग्स इज़ योर वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स का काम क्या है, बोलना, एंड नेजल कैविटी से ये अंदर एंटर करते हैं, और एलिवियोलाई आपको पता है चली गई है, टिप्स होती हैं, और एक होता है डायफ्रेग्राम। डायफ्रेग्राम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है आपका। तो उसके फंक्शंस क्या है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, सबसे पहले तो है गैसेस का एक्सचेंज होना। गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए इसका मेजर रोल है। होता क्या है बेसिकली, जो आपकी एल्वियोलाई है, आपको जैसे कि ऊपर बताया था अभी, एल्वियोलाई जो है इनका कनेक्शन होता है कैपिलरीज के साथ। कैपिलरीज बहुत 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 ज़्यादा छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो एक तरह की जाल की तरह प्रेजेंट होती हैं, और ये पूरे के पूरे एल्वियोलाई को घेर के बैठी होती हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन आए हम उसको उठा के भाग जाएंगे। तो वही होता है, जैसे ही आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ये सारी की सारी उस ब्लड में चली जाती है जो कैपिलरी में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये इसको ले जाती है टू द सेल्स। अब फिर जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन को वहाँ पे देके फिर से भाग आती हैं वापस और लंग्स को दे देती हैं, ठीक है, ताकि लंग्स इसको बाहर निकाल दें। सो इस तरह से आपका गैसेस एक्सचेंज चलता रहता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं फिगर, इस तरह से ब्लड कैपिलरीज आपके पूरी की पूरी एल्वियोलस के आसपास प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज़ योर एल्वियोलस और ये सारी की सारी आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, यू कैन सी देम। सो ऑक्सीजन कैसे अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आ रही है, सो दिस इज़ अ फैक्ट। आगे जो ब्लड का pH है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा ऑल्टर कर सकता है किसका pH, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड का। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हमारा ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, उसका pH कम हो जाएगा, मतलब ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये बना देता है कार्बोनिक एसिड विद इन योर ब्लड, तो जिसकी वजह से इसका pH बढ़ सकता है, मतलब इन द सेंस कि इसका pH एसिडिक हो सकता है, तो ये इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आगे वॉइस प्रोडक्शन, ये क्या करता है, एयर को अंदर लेके आता है, एयर क्या करता है आपके वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करवाती है जिसकी वजह से साउंड और स्पीच प्रोड्यूस होती है। देन कम्स ऑल्फेक्शन। ऑल्फेक्शन एक तरह की सेंस होती है स्मेल की, जिसकी वजह से आप स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि आप जो एयर पार्टिकल्स हैं उसको अपने अंदर लेते हो थ्रू नोज,
देन इज इनेट इम्यूनिटी. अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कुछ ऑर्गेनिज्म से, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके डायरेक्टली टू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, क्योंकि आप इसको अपने नोज में ही रोक लेते हो. सो देन इज, तो जो एयर होती है, एक जो एयर जब आप जो सांस लेना नाक से बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू माउथ, बिकॉज जैसे ही आप इसको नाक से लेते हो तो जो एयर आप लेते हो कुछ जो वेसल्स हैं, जैसे ही आपकी एयर नेजल पैसेज से, मतलब जो आपके नाक से होकर जैसे ही आपकी ट्रैकिया में जानी शुरू होती है, तो ट्रैकिया में जाने से पहले कुछ आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हॉट होती हैं कंपैरेटिवली, और ये उसके ऊपर से पास करती हैं और दे बिकम वार्म. जो एयर है वो ठंडी से गर्म हो जाती है ताकि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायरेक्ट डैमेज ना पहुंच सके. साथ ही साथ जो एयर आती है अगर वो ड्राई होगी तो उसको क्या करती है, मॉइस्चराइज करती है, उसके अंदर मॉइस्चर प्रोवाइड करती है. साथ ही साथ ये हार्मफुल सब्सटेंसेस से बॉडी को बचाती है. कैसे बचाती है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कफ और स्नीजिंग के थ्रू बाहर निकाल देती है पहले ही, और वैसे उसको फिल्टर करके भेजती है हवा को. साथ ही साथ ये डाइवर्सिटी है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. जो सी एनिमल होते हैं, ये सी के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास सिंपलेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. मतलब ये डिफ्यूजन की हेल्प के थ्रू, उनकी जो स्किन है उसके थ्रू डिफ्यूजन हो जाती है और वो अपनी ऑक्सीजन ले लेते हैं. पर जो लंग्स हैं आपके, 300 and 350 million रेस्पिरेटरी यूनिट्स हैं इसके अंदर, मतलब जिसको हम एलिवेलाई बोलते हैं. मतलब यू कैन वेल इमेजिन कि हम कितनी अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं फिर. ओके, तो इसीलिए जो आपका हाफ लीटर पानी है, आधे लीटर के करीब जो पानी है एक दिन में लॉस हो जाता है सिर्फ ब्रीदिंग के प्रोसेस में ही. आगे जो पीपल हैं अंडर द एज ऑफ 30 years, वो क्या करते हैं, वो डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं एज कम्पेयर टू अ 80-year-old पर्सन. सो नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. अब जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो किसकी वजह से हो रहा है, आपके हार्ट की वजह से. फाइन, तो हार्ट जो है इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो जो हार्ट है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. द टाइप ऑफ सिस्टम विच वी प्रोसेसेस, हमारे पास है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, द फ्लूड इज़ नॉट कंटेन्ड इन वेसल. अब जो ओपन में आपकी जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो नहीं करता है, वो ऐसे ही पूरी बॉडी में पड़ा होता है. ठीक है, उसको फ्लूड को हम हीमोलिम्फ भी बोल देते हैं. तो ये होता है ज़्यादातर आपका मोलस्क में, आर्थ्रोपोड्स, इन सब में होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज इनवर्टिब्रेट्स हो गए, जैसे उनका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो काफ़ी फेयरली एक्टिव होता है, इसलिए क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ब्रांच इन अ वे दैट अलाउज द आउटसाइड एनवायरनमेंट टू कम क्लोज टू द इंटरनल टिश्यूज. ये इस वजह से इनका जो सिस्टम है वो ओपन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड ये कॉकरोचेस, पेलेमोन, पेलियोमोन, पीला, यूनियो, इन सब में प्रेजेंट होता है. सो नेक्स्ट इज इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर रहता है. लार्ज वेसल्स होती हैं जो ब्लड को लेके आती है हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट. अब जो हार्ट टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट लेके जा रही है ब्लड को, उसको हम बोल देते हैं आर्टरियोल्स, या फिर आर्टरीज बोलते हैं, जो मेन वेन होती है उसको आर्टरियोल क्या कहा जाता है. और जो छोटा छोटी 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 काफ़ी टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कैपिलरीज बोला जाता है. साथ ही साथ आगे जो ब्लड है वो एक और लार्ज वेसल में कनेक्ट होता है जिसको बोलते हैं वेनियोल्स. ओके, एंड साथ ही साथ ये कैरी करती है ब्लड को, वापस लेके जाती है टू द हार्ट. नेक्स्ट इज एग्जांपल, इसमें किस किस की आ जाती है, जैसे फिश, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, आपके अर्थवॉर्म, इन सब में ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट इज फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. अब फंक्शनिंग ऑफ हार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है, ब्लड को विद द हेल्प ऑफ प्रेशर पंप करता है. सो एक प्रेशर जनरेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है. दूसरा, रूटिंग द ब्लड. रूटिंग द ब्लड मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एक रस्ते के थ्रू भेजता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको दूसरे रस्ते की और लेके दूसरे रस्ते से वापस लाता है. तो मतलब कि देर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड. और साथ ही साथ वन वे ब्लड फ्लो, मतलब कि वन वे ब्लड फ्लो में क्या होता है, ऑक्सीजन एक गेट से जाएगा जबकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोई और गेट से आएगा, पर वो ऑक्सीजन वाले गेट से नहीं आएगा. तो मतलब कि इस तरह से आपकी जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है उसको अवॉइड किया जा सकता है. देन कम्स रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई. अब जो ब्लड सप्लाई है उसको भी रेगुलेट किया जाता है, जो ब्लड है उसको प्रॉपर सप्लाई में भेजा जाता है, ओवर ब्लड नहीं भेजते ना कम ब्लड भेजते हैं. देन कम्स ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें दो आ जाते हैं सर्कुलेशन सिस्टम, वन इज़ पल्मोनरी एंड अदर वन इज़ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सिस्टम.
तो पेरिफेरल सर्कुलेशन सिस्टम की बात करेंगे सबसे पहले। तो पेरिफेरल सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जो हार्ट है वो मेजर फोर्स, मतलब फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ब्लड को सर्कुलेट किया जा सके, पंप किया जा सके थ्रू आउट द होल बॉडी। तो इट कैरीज ब्लड, ब्लड कहाँ से लेके जाता है, फ्रॉम हार्ट टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड बैक, फिर वापस उसको ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू हार्ट वापस लाता है। तो ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड गैसेस में हेल्प करता है। अब गैसेस तो आपको समझ आ गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन वाला ब्लड पंप किया हार्ट ने टू ऑल द बॉडी टिश्यूज, तो उन्होंने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दी। अब जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट करते हो। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन। अब जितने भी हॉर्मोन्स हो गए, इम्यून सिस्टम के हो गए, कॉम्पोनेंट्स हो गए, कुछ कोएगुलेशन एजेंट्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, फेस प्रोडक्ट, ये सभी इसी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ हार्ट। देन कम्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। देन कम्स डायरेक्ट ब्लड नाउ, तो मतलब कि ये क्या करती है, बेसिक डायरेक्ट ब्लड फ्लो आएगा यहाँ पे, जो डायरेक्ट आपका जो ब्लड है उसके फ्लो को मेंटेन करती है, मतलब कि एग्जैक्ट फ्लो मेंटेन रखती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल 10% ब्लड फ्लो करवाना है तो ये 10% ही रखेगी जो एवरेज एक ह्यूमन की कैपेसिटी होती है, एवरेज कैपेसिटी। ओके, तो ये ना उससे कम होती ना ज़्यादा होती फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑल द बॉडी। तो इस तरह से आपका ये डायरेक्ट ब्लड फ्लो काम करता है। आगे आती है आपकी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपकी आती हैं तीन तरह की, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरी। आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू द एरियाज ऑफ द बॉडी, और वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाती है टू द हार्ट फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। फिर जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज ये काफ़ी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, बहुत छोटी होती साइज़ में, तो ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है जुड़ता है डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट एरियाज ऑफ द टिश्यू। और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो आर्टरीज है वो ब्लड को कैरी करती है, दूर लेके जाती है हार्ट से, जबकि जो कैपिलरी है वो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है। ओके, फाइनली जो वेन है वो वापस ब्लड ले आती है हार्ट के पास, ताकि वो उसको फिर से उसमें ऑक्सीजन भर दे और उसके कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स को वापस कर दे। ओके, सो नेक्स्ट इज आर्टरीज के बारे में बात करते हैं। जो आर्टरीज हैं बेसिकली इनकी जो मेन आर्टरी है उसको बोलते हैं डॉर्सल आर्टर। डॉर्सल आर्टर जो ये जो मेन आर्टरी है ये डिवाइड करती है छोटी छोटी आर्टरीज में, ताकि ये आगे ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बाकी टिश्यू ऑर्गन्स तक, जो टिश्यूज हैं उन तक पहुंचा दें। सो इस तरह से आपकी आर्टरीज काम करती है। जो वेन्स हैं वो क्या करती हैं, जो मेजर आर्टरी जो इसमें जो वेन होती है, जो मेन कनेक्टेड होती हैं आपके हार्ट के साथ, ये क्या करती है, एक तो ये भी काफ़ी सारी छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट होती है, और ये सारे के सारे टिश्यू से जितना भी आपका ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लेके आती है बैक टू योर हार्ट, और फिर हार्ट को वो देने के बाद फिर ये क्या, इसका फिर रोल ख़त्म हो जाता है। सो इस तरह से आपकी जो वेन है वो काम करती है। जो कैपिलरीज हैं वो दोनों को कनेक्ट करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को, और अनलाइक आर्टरीज एंड वेन्स ये काफ़ी थिन होती हैं और फ्रेजाइल, मतलब आराम से ब्रेक डाउन हो सकती हैं, तो ये काफ़ी कमज़ोर होती हैं, पर काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, और ये जो मेन टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं आगे, उन तक ब्लड सप्लाई देती हैं और लंग के एल्वियोलाई से ब्लड उठाती हैं। देन कम्स ब्लड टाइप। चार तरह आपके ब्लड ग्रुप्स की बात की गई है यहाँ पे। अब ब्लड टाइप सबसे पहले आ जाता है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, देन कम्स ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारे आपके ब्लड फैक्टर्स होते हैं। ये किस बेसिस के ऊपर होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। जिसके ऊपर एंटीजन ए है वो ए ब्लड ग्रुप है, जिसके ऊपर एंटीजन बी है वो बी ब्लड ग्रुप है, और जिसके पास दोनों हैं वो हो गया ए बी एंटीजन। और उसके बाद होता है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर डिसाइड करता है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जिसके पास आर एच फैक्टर है वो पॉजिटिव है, जिसके पास आर एच फैक्टर नहीं है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो लैंड सीनियर साइंटिस्ट का नाम था जिसने सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स के बारे में स्टडी की थी। ओके, सो इस तरह से आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं ओ ओ नेगेटिव। तो इन्होंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर जो यहाँ पे जो आपके ओ नेगेटिव है, दे आर यूनिवर्सल डोनर्स। अब ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, किसी भी को, मतलब ये ए को भी दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, ए ओ पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, बी नेगेटिव को भी, ए नेगेटिव को भी एंड ए बी नेगेटिव को भी दे सकते हैं।
ठीक है। तो इनमें होता क्या है बेसिकली, इनके पास ना तो आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है ना ही कोई एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये दे आर ऑल फ्री टू गो। पर अगर इन रिमेनिंग सात में से अगर किसी का भी ब्लड इनको मिल जाए तो ये बंदे उसी वेले उसी टाइम मर जाएंगे। ये क्यों मर जाएंगे? बिकॉज इनके पास ना तो ये इन दोनों में से कोई एंटीजन है और ना ही ये आरएच फैक्टर है, तो ये इनकी बॉडी के लिए एक नई चीज़ हो जाएगी जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग है वो मर जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये दे आर नॉट यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब यूनिवर्सली हर टाइप का ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इनको क्या चाहिए होता है? इसके लिए सिर्फ इनको ओ नेगेटिव वालों का ही ब्लड चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। अब जो आते हैं आपके ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव में जो है वो सिर्फ ओ नेगेटिव का ही ब्लड ग्रुप ले सकते हैं या फिर ओ पॉजिटिव वालों का। अगर आप इसको ए बी पॉजिटिव नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव इन दोनों इन सभी छः में से किसी का भी ब्लड दोगे ना तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये भी मर जाएंगे। इनमें भी सेम केस होगा क्योंकि इनके पास वो चीज़ है ही नहीं। अब जो बी पॉजिटिव है आप उसको ए का ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव का ब्लड नहीं चढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब ए एंटीजन है नहीं, उसके पास सिर्फ बी एंटीजन है, तो वो भी मर जाएगा। अब बी पॉजिटिव बी नेगेटिव वाले को अगर आप किसका ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, बी पॉजिटिव वाले का, तो उस केस में वो भी मर जाएगा क्योंकि उसके पास आरएच फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब ए नेगेटिव वालों के भी केस में सेम होता है जो बी वालों के केस में होता है। अगर ए नेगेटिव को आप ए पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाओगे वो तब भी मर जाएगा। अगर बी बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव किसी में किसी का भी चढ़ा दोगे ना वो तब भी मर जाएगा, बिकॉज इनमें एक तो ना इसके पास बी एंटीजन है और ना ही आरएच फैक्टर है। ठीक है, जबकि जो ए पॉजिटिव है एक तो वो ए पॉजिटिव का ब्लड ले सकता है, ओ नेगेटिव का और ए नेगेटिव का, एंड फिर आता है आपका ए बी नेगेटिव। अब ए बी नेगेटिव सिर्फ ए और बी नेगेटिव का ब्लड ले सकता है दोनों का ही, पर ये ए बी पॉजिटिव से नहीं ले सकता। अगर ए बी पॉजिटिव से लेगा तो ये मर जाएगा। पर ए बी पॉजिटिव एक ऐसा बंदा है जो सबसे ब्लड ले सकता है, मतलब ए पॉजिटिव से भी, बी पॉजिटिव से भी, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव से भी, ओ नेगेटिव से भी, बी नेगेटिव से भी, ए नेगेटिव से भी और ए बी नेगेटिव से भी, क्योंकि इसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है तो इसको कुछ नहीं होगा। सो दे आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स ऑफ ब्लड, मतलब ये यूनिवर्सली हर ब्लड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो इस तरह से ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप्स काम करते हैं। सो नेक्स्ट इज आरएच फैक्टर। अब आरएच फैक्टर बेसिकली जो होता है जिस ब्लड में प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिस ब्लड में एबसेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर अब बात करते हैं इसके बारे में, जो साइंटिस्ट थे जिसने स्टडी किया था, रीजस मंकी था उसका नाम, इसके बारे में लर्न करने के लिए। तो जब वो स्टडी कर रहे थे रीजस मंकी, तो उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर ना ब्लड प्रोटीन होता है वो डिस्कवर किया। तो ये जो प्रोटीन था वो ब्लड में प्रेजेंट होता है कुछ लोगों के भी, एंड जो कुछ लोग हैं उनमें ये एब्सेंट भी होता है। तो जो ये प्रेजेंस होती है इसको हम बोल देते हैं आरएच फैक्टर। अगर ये एब्सेंट हो गया तो ये आरएच नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके बारे में सबके बारे में आपको नीचे दिया गया है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज कि हम जो फंक्शनिंग चेक करते हैं ना अपने हार्ट की, इसको ईसीजी भी कह सकते हैं आप। तो इसके थ्रू आप अपनी हार्ट की पूरी फंक्शनिंग चेक करते हैं। जो पेशेंट्स होते हैं उनकी ये ईसीजी की जाती है ताकि उनको पता चले डॉक्टर को कि इनकी जो फंक्शनिंग है हार्ट की किस तरह से चल रही है, कहीं पर ब्लॉकेज तो नहीं है किसी वेन में। तो अगर ब्लॉकेज होती है तो उस केस में वो जो वेन्स है उसको निकाल के उसकी जगह पर स्टंट डाल दिया जाता है। सो इस तरह से ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पे आपसे बात की लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फैटिक सिस्टम है आपका एक, लिम्फैटिक सिस्टम के तीन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले वो ज़्यादातर कंसर्न होता है ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्न ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल जैसे आपका प्रोटीन होगा जो एस्केप कर सकता है ब्लड कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी इनटू द टिश्यू फ्लूइड। ओके, साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं लिपिड्स के फ्रॉम इंटेस्टाइन आफ्टर डाइजेशन इनटू द ब्लड सिस्टम। एंड फिर साथ ही साथ ये जो फॉरेन मटेरियल जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया उन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ताकि ये बॉडी का इफेक्ट ना कर सके। फिर आते हैं आपके लिम्फेटिक वेसल्स। जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो क्या करती हैं, वो जो लिम्फ है उसको फ्लो करवाने में हेल्प करती हैं। इसके पास भी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं जो काफ़ी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो आपके टिश्यूज़ के सेल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं टू प्रोवाइड दम इम्यूनिटी इन वन वे और द अदर।
ये तो हो गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम. अब जो लिम्फ ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जाता है फिर उसी डायरेक्शन में वापस आता है. जैसे ब्लड की दो डायरेक्शन ही ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए दूसरा वे है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए एक और वे था. इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक ही रास्ता होता है. ओके सो इसमें क्या होता है, जो प्रेशर है वो कमलेट होना शुरू हो जाता है टिश्यू में, फिर इसकी मूवमेंट होती है एंड इस तरह से आपको पता चल सकता है कि ये ऑटोनोमस पंप की तरह काम करता है एक. एंड जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेलिंग होते हैं. लिम्फ नोड्स मतलब जैसे आपकी ये ट्यूब जा रही है तो इस तरह का इसमें स्वॉलन पार्ट एक आ जाता है, तो दिस इज नोन एज लिम्फ नोड. लिम्फ नोड ओके. सो इस तरह से आपके लिम्फ नोड काम करती हैं. जो आपके लिम्फ नोड्स हैं वो काफ़ी जगह पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन होगी, आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, उसको पियर्स पैचेस के नाम से जाना जाता है. आपकी लिम्फ के कुछ और पार्ट्स जो हैं वो बाकी बॉडीज़ में भी प्रेजेंट हैं, बाकी बॉडी ऑर्गन्स में. तो ये आपको मेन इन्फेक्शन से बचाते हैं और इनका यही मेन रोल है और कुछ नहीं है. सो एवरी सेकेंड जो 15 मिलियन ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में. जो प्लेटलेट्स हैं जो एक पार्ट बनाती है ब्लड सेल कंपोनेंट का, वो प्रोड्यूस किस मतलब 200 बिलियन प्रोड्यूस होती हैं एक दिन में. साथ ही साथ जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसके पास 5 to 6 लीटर जो ब्लड होता है, और जो इन्फेंट है उसके पास 1 लीटर के आसपास होता है, एक्सेप्ट द हार्ट एंड द लंग्स. लंग्स और हार्ट को छोड़ के जो बॉडी है उसके पास ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, फ्रॉम द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी एंड द ऑटा. सो पल्मोनरी वेन जो है वो मेन वेन है, सबसे बड़ी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वाइल ऑल अदर वेन्स जो बाकी वेन्स वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. आगे क्या, जो ह्यूमन ब्लड है वो कलरलेस है. जो कलर किससे आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से. नेक्स्ट जो हार्ट बीट है, एक तरह की साउंड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हार्ट है जब पुश किया जाता है फ्रॉम द चैम्बर तो उसकी साउंड होती है. जो वुमेन की हार्ट बीट होती है वो फास्ट होती है मैन के कंपैरेटिवली. साथ ही साथ जो ह्यूमन हार्ट है वो कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, तभी वो बीट करेगा. इनफैक्ट अगर आप उसका जो पीस है पूरा का पूरा बाहर निकाल लें बॉडी से, तो कहते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी 140 बीट्स पर मिनट होती हैं. जो एवरेज पल्स होती है एक एल्डर ह्यूमन बीइंग में वो 50 to 72 बीट्स पर मिनट होती हैं. और एटलीस्ट जो 1000 इन्फेंट्स हैं जो बॉर्न होते हैं उनमें से एटलीस्ट 8 को हार्ट डिजीज़ होते होते हैं, हार्ट इफेक्ट्स होते होते हैं. और साथ ही साथ जो हाई ब्लड प्रेशर है उसका कोई सिम्टम नहीं होता है. कहते हो 20 सेकेंड लगते सिर्फ बॉडी को, हमारे हार्ट को, टू पम्प ब्लड टू एवरी सिंगल सेल इन द बॉडी. मतलब 20 सेकेंड में सारे के सारे सेल्स को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन. और फिर साथ ही साथ जो हार्ट बीट की साउंड आती है वो होती है लब्ड अप. और जो आपकी बॉडी है उसके 6 quarts ऑफ ब्लड होता है, और एक दिन में जो ब्लड है वो 12,000 माइल्स के आसपास ट्रेवल करता है. जो ह्यूमन ब्लड है वो रेड है, ऑक्टोपस ब्लड, ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो ब्लू होता है, जो कैटरपिलर्स होते हैं उसका ब्लड जो होता है वो ग्रीन होता है. सो जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर आपका प्रेशर नापने के काम आता है. ये दो तरह का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है ब्लड का जब हार्ट जो मैक्सिमम प्रेशर रिलीज़ करता है, मतलब कि जो मैक्सिमम प्रेशर हार्ट लगा सकता है वो होता है 120. जबकि जो डायस्टोलिक होता है वो वाला प्रेशर होता है जो मिनिमम हार्ट लगा सकता है, तो वो मिनिमम होता है 80. अगर आपकी दोनों जो मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर है हार्ट का वो 120 और 80 आ रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर परफेक्ट है. पर अगर ये दोनों फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब इफ़ इट इज़ अबव 120 तो आपको हाइपरटेंशन है, ठीक है, पर अगर 80 से कम है तो आपको लोअर बीपी की प्रॉब्लम है. तो स्फिग्नोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर नापते हैं. देन हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे विद इन द प्लांट्स. सो जाइलम एंड फ्लोएम बेसिकली आपके प्रेजेंट, इनको वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है. जो जाइलम है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है. जबकि जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है. जो आपके फूड बनता है आपके लीव्स में उसको लेके जाता है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जबकि जो वाटर नीचे से रूट से अब्सॉर्ब किया ये उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में लेके जाता है. सो इस तरह से आपके ये दो पार्ट्स काम करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. और इसके कुछ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में भी नीचे बात की गई है. इसमें इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है. इसमें वन वे मूवमेंट होती है सिर्फ, मतलब नीचे से ऊपर जाता है पानी और कुछ नहीं होता, मतलब वापस नीचे नहीं आता है. सो वाटर एंड मिनरल्स इसके थ्रू ट्रेवल करते हैं. नो एंड वॉल
वॉल बिटवीन द सेल्स, कोई वॉल नहीं होती आपके सेल्स के बीच, मतलब सेल जो लगे हुए हैं एक अरेंजमेंट में लगे हैं एंड दे आर कॉमन. जो थिक वॉल्स हैं वो लिग्निन की, यहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट होता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे टू वे फ्लो होता है, मतलब खाना नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है. तो यहाँ पे फूड एंड वाटर दोनों ही ट्रैवल कर सकते हैं. जो सेल्स हैं उनके पास जो उनकी वॉल्स हैं वो थिक नहीं होती है, इंस्टेड दे आर परफोरेटेड. परफोरेटेड का मतलब यहाँ पे छेद छेद होते हैं. ओके, सो ट्रांसपीरेशन एक और प्रोसेस है. ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें होता क्या, अगर आपने उसको पानी ज़्यादा दे दिया है तो वो जो पानी है, जो लीव्स के स्टोमेटा वो खुल जाते हैं. यहाँ पे कोई और कलर लेते हैं हम भी. जो लीव्स के स्टोमेटा वो खुल जाते हैं और यहाँ से आपका सारा का सारा पानी बाहर आ जाता है, और सरफेस पे आने की वजह से जो पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं यहाँ पे, और जैसे पानी की ड्रॉपलेट्स ऊपर आ जाती हैं तो जैसे वो सन की गर्मी की वजह से दे स्टार्ट एवेपोरेटिंग, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं इन योर प्लांट्स. और ये काफ़ी ठंडक प्रोड्यूस करती है. फाइन, सो नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. जैसे कि आपको पता है ये जालम की वजह से होता है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है आपको. उसमें होता क्या है, जो आपकी जाइलम होती है वो इस तरह से रेंज होती है सेल के ऊपर, सेल आपके इस तरह से एक के ऊपर एक लगे होते हैं टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब. तो इसमें भी अडहेशन एंड कोहेजन काफ़ी रोल प्ले करती है. फाइन, सो इस तरह से दे वर्क टुगेदर. एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस. अब इसके पास जैसे कुछ सेल ऑर्गन्स हैं, जैसे सीव ट्यूब्स हो गई, कंपेनियन सेल्स हो गए, वेस्कुलर पैरेन्काइमा हो गया, ये सभी के सभी जो पार्ट्स हैं ये मिलके ये क्या करते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं जिसके थ्रू खाना ऊपर जा सकता है नीचे भी आ सकता है. जो भी खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बनता है वो सारा का सारा इसी थ्रू सेव किया जाता है विद इन द प्लांट. सो नेक्स्ट इज लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको बाहर निकाल दिया जाता है. ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में हो सकते हैं. गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड जैसे यूरिन, एंड सॉलिड जैसे आपका फीकल मैटर हो गया, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है. अब ये तो हो गए एनिमल्स की बात, तो प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं अपने सारे के सारे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स. तो गैसियस जो है, गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट, वो तो वो स्टोमेटा के थ्रू कर लेता है, पर जो लिक्विड और सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे रिलीज करते हैं, जैसे जो स्टेम्स हैं, कई स्टेम आप कह सकते हैं या फिर ब्रांचेस कह सकते हैं जो अपने आप गिर जाती हैं, जो पत्ते हैं जो पुराने होकर गिर जाते हैं. तो जो आपके प्लांट्स होते हैं वो सारा का सारा अपना वेस्ट प्रोडक्ट उन जो डेड लीव्स होते हैं उनमें डाल देते हैं, और जैसे वो ज़्यादा भर जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं. तो मतलब इस तरह से इनका ये प्रोसेस होती है टू एक्सक्रीट. और ये जो भी इनका लिक्विड वेस्ट होता है, जैसे पानी एक्सेस हो गया तो ये ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू इसे उड़ा देते हैं, मतलब स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं. यू कैन सी इट है. सो इस तरह से यू कैन से कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं. सो नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटेशन. अब ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा फिनोमेना है कि आपने सुना होगा किसी ने किडनी डोनेट कर दी किसी को, किसी ने हार्ट डोनेट कर दिया, किसी ने आइज डोनेट कर दी. तो ये एक सब तरीका है, हम एक की बॉडी का ऑर्गन दूसरे की बॉडी का ऑर्गन में लगा दें, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन. हम ऐसा कर तो दें पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो नया ऑर्गन आता है आपकी बॉडी के अंदर, उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है. ये उसको एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट डील करता है, उसको लगता है कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया मैंने उसको मारना है, वो उसको मारना शुरू कर देता है. और यूजली जो ये पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं विद ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, तो इसलिए इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ये जो लोग हैं उनको दे दी जाती हैं इम्यूनो सप्रेसिंग पिल्स. जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए, उसको रोकने के लिए पिल्स दे दी जाती हैं, ताकि जो इम्यून सिस्टम वो बिहेव ही ना करे कुछ भी, और जो इम्यून सिस्टम है वो जो आपने ऑर्गन डाला है उसके अगेंस्ट बिहेव ना कर पाए. पर इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या है कि जो ये लोग होते हैं उनको कोई भी बीमारी लग सकती है आराम से. तो इसलिए ये जो जो पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाता है. सो बियॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं. हम चार्ज के लिए टेस्ट करते हैं. अगर आप आलू पे थोड़ी सी आयोडीन डाल के देखें तो इफ़ इट्स कलर टर्न ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो मतलब चार्ज इज अवेलेबल. पर इन केस अगर उसका ब्लू ब्लैक कलर नहीं हो पाता है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि चार्ज इज एब्सेंट. तो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि आयोडीन टेस्ट की हेल्प से आप स्टार्च का पता लगा सकते हो. तो वो कहते हैं जो स्टार्च है वो बनती है बेसिकली फोटोसिंथेसिस के दौरान, बेसिकली ग्लूकोज होती है जो बनती है, फिर ग्लूकोज जो है आगे इकट्ठी होके कॉम्प्लेक्स कार्ब बना देती है, दैट इज स्टार्च. तो वो जो स्टार्च है वो ये बॉडी में स्टोर हो जाती है प्लांट की, और इसको फिर हम ले लेते हैं एज अ फूड.
तो इन्होंने क्या किया, इसको 5 मिनट के लिए इस लीफ को बॉयल किया जिसमें स्टार्च थी अल्कोहल में, ओके। इसके बाद जो क्लोरोफिल थी, जो सॉल्यूबल थी स्पिरिट में, आउट ऑफ द लीव, उसको बाहर निकाला और जो लीव था वो ऑलमोस्ट कलरलेस हो गया। फिर इसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ आयोडीन डाल दी, जो ब्लीच मतलब एक हिसाब से जो आपने बॉयल किया था अपने लीव को, और जो स्पॉट था उसने क्या शो किया, ब्लू स्पॉट आ गया, जिससे क्या पता चला कि स्टार्च इज स्टिल अवेलेबल इन द लीव। सो नेक्स्ट इज शो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्टेम। तो स्टेम के थ्रू जो अपवर्ड मूवमेंट है पानी की वो कैसे होती है, तो इन्होंने बेसिकली जाइलम की बात की गई है। इस तरह से आपकी जैसे ये ट्यूब बनी होती है, तो जैसे कि आपको बताया गया था इस तरह से सेल एक के ऊपर एक लगे होते हैं, ओके। तो ये एक की तरफ एक लगे होते हैं, इनकी कोई यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती है, और ये एक ट्यूब की तरह एक्ट करते हैं ताकि पानी इसमें से और मिनरल्स इसमें से आराम से पास कर जाएं। तो यहाँ पे ये जो सेल्स होते हैं इनके बीच में होती है एडिशन, जो वाटर मॉलिक्यूल बीच में से पास करते हैं इनके बीच में भी होती है एडिशन, एंड प्लस कोहिजन भी काम करती है जो आपके सेल्स और वाटर के बीच में होती है, ओके। सो इस तरह से जो भी आपके प्लांट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं वाटर को थ्रू स्टेम फ्रॉम द रूट। सो नेक्स्ट वन इज कि अब जो फूड है उसको ट्रांसलोकेट स्टेम स्टेम तक कहाँ कैसे किया जाता है, मतलब कि जैसे आपने लीफ में आपका खाना बन गया है तो उसको पहुँचाया कैसे जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है, ये आपका पूरा पूरा है फ्लोएम। फ्लोएम बेसिकली आपका वेस्कुलर टिश्यू है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, यूजली ये लीव से खाने को कहाँ तक लेके जाता है, स्टेम्स हो गई या फिर जितने भी स्टोरेज पार्ट्स हो गए उन सब में लेके जाता है। तो ये स्टोरेज पार्ट से उठा के किसी और पार्ट पे भी लेके जा सकता है, इसकी मर्जी है। तो मतलब इट इज़ अ टू वे, मतलब खाना को स्टोर भी किया जा सकता है और यूटिलाइज भी किया जा सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द हेल्प ऑफ फ्लोएम ओनली। नेक्स्ट इज आपको पल्स नापने के लिए, पल्स चेक करने के लिए बताया गया। तो उन्होंने क्या बोला, आप अपनी रिस्ट पे जेंटली जो अपनी फिंगर्स है उसको पुट करें तो आपको एक पल्स साउंड, एक बीट फील होगी, तो वो आपकी पल्स होगी बेसिकली। तो जो एक हेल्दी पर्सन है वो 70 to 72 बीट्स करता है पर मिनट। सो ये जो डॉक्टर है वो चेक करता है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। सो नेक्स्ट इज ये आपकी स्टेथोस्कोप की डायग्राम आ गई। अब जो स्वेटिंग है वो भी एक तरह की एक्सक्रीशन है, आप एक तो यूरिन के थ्रू अपना लिक्विड रिमूव करते हैं और आप एक स्वेटिंग के थ्रू भी अपना लिक्विड काफ़ी रिमूव करते हैं बॉडी का, ओके। सो साथ ही साथ ही आपके बॉडी को बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है, क्योंकि एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सो नेक्स्ट इज जैसे एनिमल हो गए, डॉग्स हो गए, इनके पास भी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो डॉग्स हैं ये मोस्टली क्या करते हैं, अपनी जो टंग है उसको बाहर ही रखते हैं इस तरह से। ये टंग को इसलिए बाहर रखते हैं बिकॉज जो टंग के ऊपर सलाइवा होती है इट गेट एवेपोरेटेड और इनको ठंडा इफेक्ट मिलता है। अब जो आपके कैमल्स हैं इनके पास बेचारों के पास स्वेट ग्लैंड नहीं होता है, इसलिए ये जो कैमल्स हैं ये थोड़ी सी अमाउंट ऑफ पानी, अगर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ पानी भी हो इनके पास तो ये सारा दिन इनका आराम से चल जाता है। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।